ਪਲਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੈਲੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ जगराऊं विखे किसान मोर्चे दे वल्लों महापंचायत किसानां दी महापंचायत दे लई जीरा तो जत्था रवाना वड्डी गिनती विच किसान जत्थे दे विच शामिल अपने हक्कां दे लई आवाज बुलंद करदे रहांगे लोकसभा चुनाव नूं लैके अलर्ट मोड ते पुलिस चुनाव नूं लैके लगाए गए हन इंटरस्टेट नाके सीसीटीवी कैमरे दे राही रखी जा रही नाकियां ते निगरानी बठिंडा दे एसएसपी ने दित्ती जानकारी पंजाब दे विच बठिंडा सब तो गर्म 45 तो 47 डिग्री पहुंचा तापमान बच्चा दी ओपीजी दे विच 15 तो 20 प्रतिशत दा वादा बिना जरूरी काम तो घरों ना निकलो बाहर बच्चा दे सिर ते उपर रखो गिला कपड़ा पंजाब दे स्कूलों दे विच छुट्टियां दा ऐलान अज तो पंजाब भर दे स्कूलों विच छुट्टियां कहर दी गर्मी कारण कीता छुट्टियां दा ऐलान 21 मई तो 30 जून तक स्कूलों दे विच छुट्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कीता ऐलान शंभू रेलवे ट्रैक तो खत्म होया धरना कल शंभू दे विच रेलवे ट्रैक तो किसानों ने चुकया धरना ट्रैक खुलन तो बाद बहाल हुई रेल आवाजाई शंभू दे विच सड़क ते जारी रहेगा किसानों का धरना पहला डाइवर्ट किए गए सन रूट ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ उम्मीदवार परनीत कौर के हक के चोन रैली करने के लिए आ रहे हैं पीएम मोदी तो पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए ने तो सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लैन पहुंचे ने डीजीपी दस दी कि पटियाला पुलिस बल तैनात है क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं पटियाला चोन रैली करने के लिए तो भलके पटियाला पोलो ग्राउंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी उम्मीदवार परनीत कौर के हक के रैली जिथे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा सकते हैं पीएम मोदी की रैली को लेकर इस सुरक्षा के कड़े इंतजाम से सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लैण के लिए पहुंचे ने डीजीपी पंजाब अज मैं थोड़े नाल एक बहुत ही जरूरी गल करना चाहती है बहुत खुशी की गल है कि साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 तरीक नूं पटियाले विखे आ रहे ने बहुत फकर दी गल है कि पंजाब दी चोणां दे विच इस मुहिम दे विच सब तो पहले पटियाले शहर च साडे प्रधानमंत्री जी आ रहे ने अपनियां गल्लां रखण लई जिहड़ा रोड मैप अगे जो वो गारंटियां देणगे वो आपे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ
सुनो, क्योंकि साडा साडे सूबे दा साडे हल्के दा साडे बच्चियां दा जो भविख है वो अगले 5 साल च बनन वाला हैगा और वो थोड़ी एक एक वोट नाल बनूगा और उस वोट दे नाल तुसी देश दा प्रधानमंत्री देश दी गवर्नमेंट बनाओगे और मैनू पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी ही आणगे और साडे देश नू साडे देश दे भविख नू अगे ले जाणगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अविनाश कपूर, तुम देख रहे हो इंडिया न्यूज़। गल करांगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटियाला तो बीजेपी के उम्मीदवार परनीत कौर के हक के जिहड़ा है इत्थे प्रचार करन दे रैली दे विच शिरकत करन दे लई आ रहे हैं। पूरा पटियाला प्रशासन पुलिस प्रशासन वालों जिहड़ा बंदोबस्त है उन्हों का जायजा लिता जा रहा है। तुहानू लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटियाला दे विच जिहड़ा फुल ग्राउंड है इत्थे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख नूं इत्थे जिहड़ी रैली दे विच शिरकत करनगे अते इत्थे जिहड़ी तैयारियां जोरां शोरां नाल चल रहीयां। तुहानू दूजे पासे भी जो स्टेडियम है अपोलो ग्राउंड का या जरा स्टेडियम है उहदे दीआं तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तुहानू तस्वीर के भी दिखा रहे हैं कि इत्थे जिहड़ी तैयारियां बड़ी जोरां शोरां नाल चल रही हैं। लेकिन एक पासे जिथे नरेंद्र मोदी पटियाला दे विच बीजेपी के जिहड़े उम्मीदवार परनीत कौर दे हक दे विच प्रचार करन रैली दे विच शिरकत करेंगे, दूजे पासे किसान जथेबंदियां ने जो विरोध प्रदर्शन का भी जिहड़ा ऐलान कर दिया है, जिहदे लई कि पटियाला प्रशासन अते पुलिस प्रशासन के वल्लों जिहड़ी है चौकसी है वो वधा दित्ती जाऊगी, क्योंकि पुलिस बल जिहड़ा भारी पुलिस बल है इत्थे तैनात है। डी जी पी लॉ एंड ऑर्डर अते भारी पुलिस बल एस एस पी पटियाला आई जी पटियाला एस पी सी डी पटियाला पूरा पुलिस प्रशासन जरा जरा है वो इतने जरा मौजूद है। इतने कितने ना कि जरा तैयारियां हो रही उसका भी जायजा लिता जा रहा है। तस्वीर सामने तुम देख रहे हो कि पटियाला का फोटो ग्राउंड है जिसे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 23 तारीख में जरा रैली शिरकत करने जा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है क्योंकि चौकसी और बंदोबस्त का जायजा लेने लिए पंजाब भी इतने पहुँच चुके हैं। हम तस्वीर दिखा रहे क्योंकि इतने जिहड़ा किसान जथेबंदियों वालों अलग अलग किसान जथेबंदियों वालों विरोध प्रदर्शन का भी जिहड़ा ऐलान है वह कर दिया गया है। पटियाला तो कैमरामैन हरिंदर दे नाल अविनाश कंबोज इंडिया न्यूज़ लई। लोकसभा चोणां नूं लै के लगाए गए हैं इंटरस्टेट नाके, सीसीटीवी कैमरे दे नाल भी की जा रही है इंटरस्टेट नाके उत्ते निगरानी। सो बठिंडा दे एसएसपी दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है। सो लोकसभा चोणां नूं लै के अलर्ट मोड ते है पुलिस, जिथे कि सीसीटीवी कैमरे दे राही नजर रखी जा रही है। बठिंडा दे एसएसपी दे वल्लों जानकारी सांझी कीती गई है। तो लोकसभा चोणां नूं लैके अलर्ट मोड ते है पुलिस ते इंटरस्टेट नाके भी लगाए जा चुके ने। चोणां दे मद्देनजर 24 घंटे दे नाके अपने इंटरस्टेट नाके 9 नाके चल रहे हैं, जिन्हां नूं बधा के जिद्दां जिद्दां फोर्स साडे कोल आएगी 16 नाके कर दित्ते जाणगे। ये सारे जिहड़े नाके हैगे इन्हां नूं असीं सीसीटीवी कैमरे राही कवर किया है। इस तों अलावा असीं पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे बनाए जो कि शहर के भी साडे नाके चलते हैं, 5 नाके बठिंडा शहर के भी चलते हैं, उन्हां ते असीं पोर्टेबल कैमरे लाए हुए हैं जिन्हां नूं कंट्रोल रूम ते असीं वॉच करते रहने। इस तों अलावा रोज शाम नूं शहर के विच हरेक हल्के दे विच SHOs दे ते DSPs दे नाके शाम नूं वख-वख टाइम ते वख-वख थावां ते असीं लगा रहे हैं। इस तों अलावा जिहड़ी PCR मोटरसाइकिल हैगी है उन्हां वल्लों भी नाकाबंदी रैंडम नाकाबंदी डेली एक शेड्यूल बना के की जाती है। तो साडा यह मकसद है कि हरेक अंसर नूं हरेक थां ते जिहड़ा हैगा वह चैक किया जा सके। कंपनी साडे कोल पहलां तो आई हुई है जो कि आपां नाकियां ते डिप्लॉय की हुई है, वह टोल प्लाजा जिद्दे ते भी हैगी है, शहर के मेन एंट्री पॉइंटां ते भी हैगी, बीबी वाला चौक हैगी है, कन्हैया चौक हैगी है, अपने फायर ब्रिगेड चौक हैगी है, होर कंपनियां जिद्दां जिद्दां आणगी उन्हां नूं डिप्लॉय करते रहेंगे। लोगों को यही है कि बेखौफ होके जाके अपना वोटिंग वाले दिन वोटिंग करो, तो जो भी कोई जानकारी है किसी माड़े अंसर की किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की वो साढ़े नाल सांझी करो, असीं तुहानूं यकीन दिलाने कि असीं पूरी ठोक के कार्रवाई करो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे, उन्हां दी पब्लिक मीटिंग दे विच 500 तो घट लोग मौजूद सन। दिल्ली आके उन्होंने देश के लोगों गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां, कहा
कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। नमस्कार, आज मैं आप सबसे तीन बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उसे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूं, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे? अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना, आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वालों जगराओं विखे रखी गई महापंचायत दे चलदिआं पूरे ही पंजाब दे विचों किसान इस महापंचायत दे विच शामिल होण दे लई रवाना हो रहे हन। इस लड़ी दे तहत दाणा मंडी जीरा तों वी वड्डी गिणती दे विच मौजूद किसानां दा इक काफला जगराओं महापंचायत दे लई रवाना होया। अज जगराओं विखे महापंचायत रखी गई है जिस दे विच शामिल होण दे लई किसानां दा वड्डा जत्था दाणा मंडी जीरा तों रवाना हो रहा है। पंजाब दे विच बठिंडा सब तो गर्म है, 45 तो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। बच्चों की ओपीडी दे विच 15 तो 20 प्रतिशत का वाधा होया। सो बिना जरूरी काम तो घर तो बाहर ना निकलो, तो बच्चों के सिर ते गिला कपड़ा पा के रखो। बठिंडा दे विच गर्मी का कहर 45 तो 47 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। दस दिए कि पंजाब दे विच बठिंडा सब तो गर्म है जोड़ा कि मनाया गया जिसका तापमान 45 तो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है।
शंभू रेलवे ट्रैक तो खत्म होया धरना। कल शंभू दे विच रेलवे ट्रैक तो किसानां ने अपना धरना चुक लिया। ट्रैक खुलन तो बाद बहाल हुई है रेल आवाजाई। शंभू दे विच सड़क ते जारी रहेगा किसानां दे वल्लों धरना। पहला रूट डाइवर्ट किए गए सन, सो वाया चंडीगढ़ जा रही सन रेल गड्डियां ते कई कई घंटे मुसाफिर हो रहे सन खज्जल खुआर। 17 अप्रैल तो शंभू ट्रैक ते बैठे सन किसान ते 22 मई नूं वड्डे इकट्ठ करांगे किसानां वल्लों कहा गया। बीजेपी लीडरां दे घरां दा घेराओ करांगे। सो सिखड़े हाँ पंजाब हरिद्वार रंबू शंभू रेलवे स्टेशन के जिते किसानों वालों पिछले एक महीने तो वह समा हो गया अपनी मंगा लैके धरना दिता हुआ। तुम देख सकते हो कि अज रेलवे स्टेशन तो इतों धरना चुकया जाना, क्योंकि लंबे समय तो जिते आम लोगों भी समस्या का सामना करना पैंता सी उत्थे किसान भी कितना कितने मजबूर सन अपनी मंगा लैके धरना दे रहे सन। किसान आगू मौजूद ने की कहना चाहते हो जी अज जी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई आगुआ वालों जो अज इतों धरना समाप्त किया जाए? देखो जी इतने जरा धरना लग्या सीगा प्रबंधा लैके तो जरा जे तीन नौजवान किसान से उन्होंने लैके जे बिना वजह तो जे उन्होंने 307 परचे जे दर्ज किए हैं। प्रबंधा बारे कुछ जोड़े है प्रबंध के ट्रांसफार्म जो दो चार तीन ने वो आ भी गए। प्रबंधा बारे कुछ खामियां ने जो गल बात चल भी रही प्रशासन के नाल। परसों साडे आगू की मीटिंग भी हुई थी प्रबंधा के संबंध के जो 22 तरीक में जो बड़ा इकट्ठ करना है उस प्रबंध भी हुई थी भी जी ट्रैफिक है जी आम जनता की ट्रैफिक है भी वो जितों साढ़े जे वहीकल आएंगे भी उन्होंने पास की जाए। इतने जोड़ा है भी राजपुरे जी प्रशासन के नाल मीटिंग हुई जितों तक इतों का संबंध है ये जोड़ा है कोई मुलतवी नहीं मंगा उ ने मंगा साढ़िया जारी रहनगियाँ। तो जोड़ा है भी इस जो घोल की जी साडे लीडर आ के आ जी इतने ऐलान करे भी ये जी रूपरेखा अगली की होगी। ठीक है ना जी उस तो बाद जो भी जो अगला प्रोग्राम होगा वो 22 तरीक के उत्ते जो है ऐलान किया जाऊगा। आने वाले दिनों के जो असी बीजेपी के जोड़े वे आगू है जिन्होंने सानू हैरान किया होया भी उन्होंने जवाब है वो किस तरह किमें देना उसका ढंग की हो तरीका की हो आने वाले समय के जोड़ा है वो असी जो रूपरेखा जी बगली है वो 22 तरीक में बड़े इकट्ठ के उत्ते जो है ऐलान किया जाऊगा। ठीक है शंभू बारे सो जिस तरह 22 तरीक में वाला इकट्ठ किया जाना है उस तो पहला दो मंगा सन वो नहीं मनिया गई या मान लिती गई? देखो जी वो ते जड़ी हरियाणा सरकार आ साडे आगू साहबाना दे नाल कमेंटमेंट करन तो बाद वो मुकर चुकी सी जिस दा जड़ा लगातार साडा मोर्चा जड़ा चल रहा सी। हुण आगू साहबाना ने जो कि मौजूदा हालातां नूं समझदे होए अंदोलन दी रूपरेखा नूं बदलन दे वास्ते अज जड़ा चंडीगढ़ विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देनी सी। कुछ ही समय तक इत्थे साडे KMM ते SKM गैर राजनीतिक दे आगू साहबान पहुँच रहे आ। जो भी अगली अपडेट होगी तुहाडे इथों आण के सांझी कीती जाऊगी। साडा अंदोलन बार्डरां ते ज्यों दा त्यों जारी आ, जारी है ते जारी रहूगा। ते साडी जिहड़ी मंग आ कि जिहड़े नवनीत सिंह जी नवदीप सिंह साडे वाटर कैनर जो कि किसान आगू उहनां दे नाल दो साथी हरियाणे दे उहनां नूं जेलां च बिना वजह तो बंद किया होया मोदी सरकार दे इशारे दे उत्ते हरियाणा सरकार ने। साडी मंग आ उहनां नूं बिना शर्त रिहा किया जाए, वह साडी मंग जारी रहूगी। प्रबंधां नूं लै के साडी मंग सी उहदे च कुछ प्रबंध किए बाकी गलबात प्रशासन चली आ। सो अगली अपडेट साडे सरवण सिंह जी पधेर ते दूजे साहब साथी आगू साहबान कोई समय तक पहुंच रहे धरना साझी कर। सो 22 तरीक नूं इकट्ठ किया जाना है, वो कारण की रहेगा इकट्ठ दा, की अगली रणनीति तैयार की जाएगी? देखो जी 100 दिन मोर्चे के पूरे होने जा रहे हैं जो कि 13 फरवरी तो मोर्चा बार्डर के उत्ते शंभू खनौरी बार्डर के उत्ते डब वाली से चल रहा वा। सो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं जो ऐलान किया दोनों फॉर्मा वालों के वड्डे लखां दे इकट्ठ किए जाएंगे। उस ऐलान के तहत वड्डे लखां दे इकट्ठ होणगे। अगले जो नवे प्रोग्राम आने आ उस इकट्ठ दे विच सारयां दी सहमति दे नाल अगले ऐलान जिहड़े साडे दोनों फॉर्मा दे आगू साहबाना वालों किए जाएंगे। सरकार जेकर नहीं साडे मंगां मसलियां वल ध्यान दिंदी ते आने वाले समय जो भी तिखे ऐलान इस जे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं 22 तरीक उतों किए जाएंगे जी। सो बिल्कुल सुन सकते हो किसानों वालों कहा जा रहा है कि भावें कि अज इतों धरना जरा मुलतवी कर दिता गया पर मंगा उन्हें दी उत्थे अड़िया ने और जो तक मंगा नहीं मनी जाती उदों तक इन्हों का संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार नाल दया सिंह राज। पंजाब दे स्कूलों दे विच छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया। अज तो पंजाब भर दे स्कूलों दे विच छुट्टियां पै गईयां ने। सो कहर दी गर्मी कारण कीता गया छुट्टियां दा ऐलान। दस दईए कि 21 मई तो 30 जून तक स्कूलों दे विच छुट्टियां पईयां गईयां ने। सो मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों इस दा ऐलान कीता गया सी। सो गर्मी दे चलदे स्कूलों दे विच छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। अज तो पंजाब दे सारे ही स्कूलों दे विच छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया। मेरे नाम जतेंद्र सिंह सर जी, एक 6th जी पढ़ती जी तो एक 3rd जी सर। बहुत वधिया क्योंकि बच्चे गर्मी बहुत वध रही है तो बच्चे टाइम सर घर पहुँच जाते हैं उस बहुत वधिया ने। लगता
चलो अगे ना तो बहुत वधिया ने, मैं कहना कि स्कूल की पढ़ाई भी बहुत वधिया हैगी है। हाँ जी सर, बहुत जरूरी थी क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। न्यू फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रबंध ने सर, एसी है, फिल्टर वाटर ने, इतने फैसिलिटी है इन्हें वैनस की प्रॉपर, अगर लाइट जाती है पूरा जनरेटर टाइम टू टाइम चलाते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ने, बच्चे पूरे सेफ ने। ऑलरेडी स्कूल के बहुत सारिया फैसिलिटीज़ है, गर्मी में मद्देनज़र रखते हुए स्कूल टाइम जरूर।